हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग स्किल डेवलपमेंट कैसे कीजिएगा, इम्प्रूवमेंट कैसे कीजिएगा, रीडिंग के बारे में समझाऊंगा। ओके, देखिए आज आज इस पैराग्राफ को मैं पढ़ के आपको रीडिंग करके सुनाता हूँ। कौन से वर्ड्स को आपको कहाँ कैसे प्रोनाउंस करना है, उस चीज़ को ध्यान से देखना है आपको और सीखना भी है। जैसे देखिए THE, इसको क्या पढ़ते हैं, दबी पढ़ते हैं, दीपी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको द पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है। द सीन इन एन एग्जामिनेशन हॉल, ओके, इसको पढ़ने वाले हैं। बस इसको रीडिंग करूँगा, समझाऊँगा नहीं, इसको बस ओनली रीडिंग कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड को, उसके बारे में बताऊँगा। एग्जामिनेशन आर ऑलवेज एसोसिएट विथ ए सेंस ऑफ एंजाइटी अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स। मेनी आर अनसर्टेन अबाउट देयर परफॉर्मेंस, हेंस देयर इज एन अनइजी एक्सपेक्टेंसी अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ऑन द अपॉइंटेड डे द कैंडिडेट्स कम इन लार्ज नंबर्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एज द गेट ओपन्स दे रश इन टू टेक देयर सीट्स। नेक्स्ट देखिए, द क्या पढ़ेंगे, IN को इन, इनविजिलेटर्स एंटर विथ पैकेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, आंसर स्क्रिप्ट्स आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट्स। एन अनइजी कैम प्रिवेल्स इन द हॉल विथ रिंगिंग ऑफ द बेल। क्वेश्चन पेपर्स आर हैंडेड ओवर टू द, देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, टू द एग्जामिनी एग्जामिनीज एज दे ह्यूरिडली ग्लैंस ओवर इट। देयर फेसेस बियर वेरियस एक्सप्रेशंस, सम बिकम पेल थ्रू नर्वस फियर, अदर्स बीम विथ सेटिस्फैक्शन। ए सडन हश एनगल्फ्स द हॉल, ओनली द सॉफ्ट स्लो साउंड of the invigilators footsteps can be heard। तो आज आपको इस सेशन में मैंने आपको रीडिंग करके बताया। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा हो और इसमें से कुछ आपको सीखने का मिला हो। आपको कैसा लगा ये सेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।